आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बुलेटिन। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबरें आप सबसे पहले देख सकें। 11 साल बाद फहीम अरशद बरेली सेंट्रल जेल से रिहा। CRPF ग्रुप सेंटर पर हमला करने के इल्जाम में ADJ की अदालत से 10 साल की सजा पाने वाले फहीम अरशद अंसारी को आज बरेली की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। उसके पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुआ था। इसके अलावा उसके पास से कई नक्शे और ट्रेन के टिकट भी मिले थे। इसकी बुनियाद पर हमले के मुकदमे में उसका नाम शामिल किया गया, जिस पर गद्दारी का मुकदमा भी चला। अगरचा गद्दारी का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट और पिस्तौल बरामद करने के सबब उसे अदालत ने सज़ा सुनाई थी। सेंट्रल जेल के सीनियर सुपरिंटेंडेंट अशोक सागर ने बताया कि मंगल को कोर्ट से उसकी रिहाई का खत आया, इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 39 मंजिला प्राइवेट इमारत बनाए जाने पर मुजाहिरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में सरकारी ज़मीन पर 39 मंजिला प्राइवेट इमारत बनाए जाने की तलबा शदीद मुखालफत कर रहे हैं और इंतजामिया के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब 12 बजे से तलबा ने मुसलसल एहतजाज करने का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तलबा के रहने के लिए हॉस्टल की कमी है, लेकिन फिर भी हॉस्टल न बनाते हुए कैंपस की सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से 39 मंजिला प्राइवेट इमारत तामीर की जा रही है, जो तलबा के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि यह हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक इस इमारत के तामीराती काम को बंद नहीं किया जाता है। चंद्रशेखर रावण ने कहा, वक्फ इमलाक के तहफ्फुज के लिए अगर जरूरत पड़ी तो जान देने के लिए तैयार। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं और उनकी हमदर्दी और मोहब्बत के सबब हमने ये वादा कर लिया है कि वक्फ इमलाक के तहफ्फुज के लिए अगर जान देने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी जान देने को तैयार हैं। वो दरगाह शाह मर्दा में अलविदाई मजलिस के मौके पर मुनाकिद वक्फ बचाओ तहरीक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में दलित मुस्लिम इत्तेहाद का हवाला देते हुए दलित लीडर चंद्रशेखर ने कहा कि हम वफादार कौम से हैं और जिसका एहसान एक बार ले लेते हैं उसको कभी नहीं भूलते हैं, और इसीलिए आज यहाँ इस अलविदाई मजलिस और वक्फ बचाओ तहरीक कॉन्फ्रेंस में शिरकत यकीन दिलाने के लिए आया हूँ कि मैं और मेरे लोग मेरे साथ हैं। डॉक्टर JN टंडन ने कहा, उर्दू खालिस हिंदुस्तानी जबान है। शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट के इमाम मौलाना सैयद मोहसिन तकवी ने कहा कि मुल्क के औकाफ को हर जगह वक्फ खोर लूट कर खा रहे हैं और हालत ये है कि 5% औकाफ का काम भी ठीक नहीं चल रहा है। ये सब हमारी कोताहियों और लापरवाहियों के सबब हुआ है, इसके लिए बेदार होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक दोनों हाथों से वक्फ इमलाक को लूटा गया है। जिन जायदादों से मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच सकता था मगर उसको लूटने वालों ने कुछ नहीं होने दिया। महमूद पराचा ने कहा कि हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे साथ आएं और इस वक्फ तहरीक को आगे बढ़ाएं। बग़ैर जहेज शादी करने वाले नौजवानों को एजाज दिया जाएगा। ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के कौमी नायब सदर हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी की सरबराही में कुरैश माशरे से जहेज जैसी बुराइयों के खात्मे और मुसलमानों में तालीम की हौसला अफजाई के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें देही इलाकों में रहने वाले मुसलमान खास तौर पर बेटी की तालीम बेटी बचाओ पर जोर दिया गया है। जहेज मुस्लिम माशरे में बहुत बड़ी बीमारी है जिसको ख़त्म किए बगैर समाज आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। लिहाजा अपने लड़के की बगैर जहेज की शादी करने और उसको अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी ने नौजवानों से बगैर जहेज के शादी करने की अपील की और कहा कि जो नौजवान जहेज के बगैर शादी करेंगे ऐसे नौजवान को सोसाइटी की जानिब से उनको एजाज दिया जाएगा। अयोध्या फैसले को फिरका वाराना रंग नहीं लेने देंगे।
यूथ हॉस्टल में उर्दू तख्लीक उरूज और आज पर सेमिनार का जन कला मंच की जानिब से इनेकाद किया गया। सैयद फैज़ अली शाह ने कहा कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में ही पैदा हुई, पहले ये आम व ख़ास की ज़बान होती थी लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी से इससे दूर हो गया है, सिर्फ ये आज शायर व अदीब तक ही महदूद रह गई है। डॉक्टर जे एन टंडन ने कहा कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और उसे ज़िंदा रखना भी हम सब का फ़र्ज़ है। डॉक्टर सी पी राय ने उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान की विरासत कहा है। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।